स्वागत है आप सबका इनकलाब टीवी। बहराइच के नवाबगंज में पूर्व विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। जनपद बहराइच के विकास क्षेत्र नवाबगंज में पूर्व जनपद बहराइच के विकास क्षेत्र नवाबगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भक्तापुर निम्न निहारा के विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष कुमार खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज में ने मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव समारोह मनाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा एकांकी नाटक यहाँ की देश गीत कविता आदि के द्वारा अपनी प्रतिभागिता दिखाई जा रही है। जनपद बहराइच के विकास क्षेत्र नवाबगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भक्तापुर निम्निहारा के विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष कुमार खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज ने मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव समारोह मनाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालयों के बच्चों द्वारा एकांकी नाटक झांकी देश गीत एवं कविता आदि के द्वारा अपनी प्रतिभागिता दिखाई जा रही है। समारोह में कमिश्नर पांडे प्रधान भक्तापुर, गुलरिहा अनीस खान प्रधान पति बिरे समारोह में कमिश्नर पांडे प्रधान भक्तापुर, गुलरिहा अनीस खान प्रधानपति बिरई गांव प्रधाना अध्यापिका श्रीमती योगमाया प्रधाना अध्यापक प्रवीण कुमार तिवारी दर्जनों शिक्षकों सहित सैकड़ों अभिभावक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में आप आए हैं, बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? बच्चों का एक कार्यक्रम है, वार्षिकोत्सव आयोजित किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा। शासन की योजना है, इसको हम लोग सभी विद्यालय में आयोजित करा रहे हैं। बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा इस कार्यक्रमों में, और जो भी बच्चे पूरे वर्ष में उन्होंने अच्छा किया है, उपस्थिति अच्छी रही, उनका रिजल्ट अच्छा रहा, उन सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, विकासखंड में कितने विद्यालयों में अब तक हो चुका है कार्यक्रम? मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन फरवरी के आखिरी दो सप्ताह में होना था कार्यक्रम। तो मेरा अनुमान है कम से कम 50-60 विद्यालय में चल चुका है। सर, कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम मार्च के पहले सप्ताह में, लगभग सभी को निर्देश दिया गया मार्च के पहले सप्ताह तक खत्म कर लें।